स्वागत है सबका फिर से इस चैनल पे और हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे फिर से जो आ, हमारा टॉपिक है सो लेट्स स्टार्ट सो पिछली बार जो हमारा लास्ट वीडियो था हम लोगों ने ये नेचुरल रिजेनरेशन वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था जिसमें से हम लोगों ने तीन में जो इम्पोर्टेंट ये मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले था कॉपिक कॉपिक के अंदर दो टाइप है सिडलिंग और स्टूल सिडलिंग एंड स्टूल कॉपिक उसके बाद था नेचुरल रिजनरेशन रूट, रूट सक्कर के द्वारा ओके और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या है होता है क्या है रूट सक्कर एंड ऑल तो और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था नैचुरल रीजनरेशन राइजोम के द्वारा राइट एग्जाम्पल भी मैंने दिया था आई हैव गिवन यू सो मैनी एग्जाम्पल तो आज हम लोग uh, ये नेचुरल रीजनरेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया अब हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रीजनरेशन में सो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट स्लाइड में so artificial regeneration from the word artificial only आप समझ में आ गया होगा कि naturally नहीं होता है artificially होता है या फिर hmm, man made होता है okay मतलब लोगों के द्वारा ही होता है All right तो artificial regeneration ये है जो मतलब hmm, renewal रिन्यूअल ऑफ अ फॉरेस्ट क्रॉप आर्टिफिशियली किसी भी फॉरेस्ट क्रॉप को मतलब जंगल में जो क्रॉप है उसको रिन्यू करने के लिए कैसे आर्टिफिशियली के आर्टिफिशियली बाय सोविंग सीड बीच बोना और सिडलिंग प्लान करना ठीक है जो भी आपका सिडलिंग है सिडलिंग प्लान करना या फिर कटिंग्स या फिर क्लोन ओके okay. ये आ, रिफर करता है आ, क्या ये हम लोग रिफर करते हैं आर्टिफिशियल रिजनरेशन ओके प्लांटिंग ये सोइंग ऑफ सीड ओके सोइंग ऑफ सीड प्लांटिंग सिडलिंग कटिंग एंड क्लोन ये आर्टिफिशियल रिजनरेशन है और आर्टिफिशियल रिजनरेशन ये अभी एक मेजर मेथड है मेजर के okay, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट uh, मेथड है रीजनरेशन का के okay, प्लांटेशन में के okay, जहाँ पर फॉरेस्ट uh, जो फॉरेस्ट क्रॉप्स है जंगल में जो क्रॉप्स है उसको रेस करते हो ठीक है या फिर उसको उगाते हो लाइक okay, like, uh, या फिर रीजनरेट करते हो आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली okay, बीच बो के या फिर प्लांटिंग करके जो ऑलरेडी ये ग्रोइंग प्लान है जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी नीचे में देख सकते हो लेफ्ट साइड से जो पहला पिक्चर है ये सिबलिंग है के ग्रो कर रहे हैं लाइक दे आर स्मॉल स्मॉल प्लान ग्रोइंग नर्सरी में राइट सो दिस इज आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रिजनरेशन ओके और इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि प्लान ऑफ टीक प्लानेशन ऑफ टीक तो अगर आप सोच रहे हो कि टीक क्या है टी ई ए के ये मेरे राइट साइड लाइक आई मीन जो स्लाइड है उसके राइट right साइड में आप देख सकते हो ये लाइक राइट साइड के ऊपर में ओके okay? ये कैसे प्लान कर रहे हैं आर्टिफिशली अभी तो ये मतलब मीडियम uh, साइज के हो गए हैं ठीक है जो फर्स्ट पिक्चर है सेकंड है लीव्स ना ये टीक लीव्स है ओके और नीचे में इन दोनों के नीचे में ये टीक पेड़ है ओके सो दिस इज प्लांटेशन ऑफ टीक ओके तो और एग्जांपल है जैसे कि प्लांटेशन ऑफ साल एस ए एल ये भी एक प्रकार का पेड़ है या फिर रेड सैंडर्स के तो दिस इज़ जस्ट मतलब ये बस ब्रीफ डेफिनेशन है आर्टिफिशल रिजनरेशन का ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक राइट डोंट गेट कन्फ्यूज कन्फ्यूज नहीं होना है नेचुरल और आर्टिफिशल रिजनरेशन में ओके क्योंकि नेचुरल रिजेनरेशन में ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है वो जो प्रकृति है वो ही मतलब काम कर रही है और राइट जैसे कि हम लोगों ने कॉपिक के बारे में भी डिस्कस किया था कि कैसे बट फॉर्म होते हैं राइट साइड साइड से जो पेड़ कटा हुआ पेड़ है उसके बाद कैसे रिजनरेट होता है राइट और फिर इवन स्टूल कॉपिक भी राइट और रूट सक्कर राइजोम राइजोम के द्वारा ओके सो लाइक यू शुन गेट कन्फ्यूज इट ओके सो दैट इज दिस इज आर्टिफिशियल रीजनरेशन नाउ वी विल गो टू द ऑब्जेक्टिव इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ओके कि लाइक क्यों 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 आर्टिफिशल रिजनरेशन करते हैं मतलब तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं इससे क्या मिल सकता है क्या मिल सकता है आपको आर्टिफिशल रिजनरेशन से तो हम लोग डिस्कस करेंगे आ, ये अगले स्लाइड में

राइट सो आर्टिफिशियल रिजेनरेशन से क्या हो सकता है क्या मिल सकता है आपको तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी तो सबसे पहले है टू असिस और सप्लीमेंट नेचुरल रिजनरेशन सो इसको मैं ऐसे समझाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए आर्टिफिशियल रिजनरेशन मतलब मैंने बोला कि कैसे आ, आ, बीच बोते हो राइट फॉरेस्ट रेस करने के लिए के okay, बीच आपने बो दिया तो अभी ये सिडलिंग बनेगा राइट जर्मिनेट होगा सिडलिंग बनेगा फिर धीरे धीरे मेचर्ड हो जाएगा फिर ये पूरी तरीके से पेड़ बनेगा है ना तो अब पेड़ बनेगा तो जो आर्टिफिशियल रिजनरेशन है अब आप नेचुरल रिजेनरेशन कर सकते हो इसमें क्योंकि ये पेड़ तो बन गया आप इसको काट के मतलब बिजनेस कर सकते हो पेड़ को और जो मतलब जो कटा हुआ लगे ऑलरेडी कट ना पेड़ को काट लिया अब वो जो बचा हुआ है ना जो रूट्स है राइट स्टूल एंड रूट राइट तो वो क्या है उससे रिजनरेशन अब होगा इसको क्या बोलते हैं कॉपिक रिजनरेशन राइट एंड दॉ नॉट ओनली दैट लेकिन इवन uh, जो uh, हम लोगों ने सिडलिंग um, रिजेनरेशन के बारे में भी डिस्कस uh, किया था कि कैसे जब जैसे स्टार्ट करते हैं जो ग्रोथ है उसके बाद जैसे सिडलिंग सिडलिंग स्टेज में आ जाएगा फिर कैसे आप आ, उसे लाइक आ, आ, उसको कट करोगे फिर कैसे वहाँ से भी बहुत सारे रिजनरेशन हो सकते हैं राइट right. तो जो आर्टिफिशियल रिजनरेशन है वो लीड करता है नेचुरल रिजनरेशन में भी लाइक बाद में नेचुरल रिजनरेशन हो सकता है के okay. सो so, Uh, यहाँ पर लिखा है तो असिस्ट और सप्लीमेंट टू तो असिस्ट और सप्लीमेंट या फिर ये टू एड और सप्लीमेंट मतलब टू uh, असिस्ट और सप्लीमेंट क्या है ये इसका मतलब है टू ऐड समथिंग किसी चीज को ऐड करना के एडिशन ओके सो ये ऐड करता है क्या इट आल्सो ऐड नेचुरल रिजेनरेशन क्योंकि बाद में बाद में आप uh, जबी ग्रो होगा लाइक जो आपका पेड़ है वो उसमें आप परफॉर्म कर सकते हो नैचुरल रिजनरेशन ठीक है सो so, ये होगा फर्स्ट पॉइंट अब सेकंड पॉइंट है टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्री क्रॉप्स कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्री कंपोजिशन का मतलब क्या है द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ ट्री Uh, मतलब जो उसके जो पेड़ के जड़ें हैं उसका जो मेन ब्रांच है या फिर उसकी जो ब्रांचेस है ठीक है और जो पत्ते हैं लाइक जो लीव्स है राइट और फिर जो लाइक इवन ट्री स्टेम जो ट्री स्टेम है कि स्टेम है पेड़ का के वो ज़्यादातर किससे लाइक बनता है के

जो एग्जिस्टिंग ट्री है जो ऑलरेडी मतलब पेड़ एग्जिस्ट करता है उसका कॉम्पोजिशन उसका जो कॉम्पोजिशन है थोड़ा चेंज उसमें थोड़ा चेंजेस आता है ठीक है जो जरे हैं जो ब्रांचेस है जो ट्रंक है ठीक है कॉम्पोजिशन इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है और आई होप यू अंडरस्टैंड सो या दिस इज द सेकेंड पॉइंट नाउ विल कम टू द थर्ड वन टू डेवलप प्लानेस डेवलप प्लानेशन फॉर डोमेस्टिक डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूटिलिटी ये मैं पहले भी डिस्कस की थी आप सबसे आई हैव डिस्कस डिस वीडियो ऑल सो डेवलप प्लानेशन फॉर डोमेस्टिकप डोमेस्टिक परपस का मतलब क्या है जो घर पर आप यूज कर सकते हो ठीक है आग के लिए आग जलाने के लिए राइट right. या फिर जो पैकिंग केसेस है ये आपने देखा होगा कि कैसे लकड़ियों से कैसे मतलब लकड़ियों से कैसे वो बॉक्स बनता है राइट लाइक स्पेशली मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है फ्रूट्स का राइट right. फ्रूट्स का फलों का तो उस लाइक जो फल एक्सपोर्ट होते हैं कैसे वो वुड जो लकड़ी का बनता है राइट right. तो कैसे मतलब उसके भी यूज़ हो सकता है एंड देन घर में जैसे कि मैंने बोला हाँ खाना बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो राइट right? तो ये कुछ डोमेस्टिक यूजेस है या फिर आ, ये घर के यूजेस है और नॉट ओनली दैट इट कैन इवन यूज हाँ घर के लिए दिस वन शहद ओके सो मोस्ट ऑफ द लाइक इन ट्रीज ओके कुछ कुछ पेड़ों में ये हनी हनी फॉर्म होता है राइट हनी बी से जो हनी कोम है राइट right? उससे हनी uh, फॉर्म होता है शहद बनता है तो ये भी uh, आपके मतलब डोमेस्टिक यूज़ में आ गया और राइट right. उसके बाद अगर हम लोग इंडस्ट्रियल के बारे में बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूटिलिटी के लिए जैसे कि वही जो uh, आपका पैकिंग केसेस है जो मैंने बोला ना एक्सपोर्ट के लिए मतलब फल फल एक्सपोर्ट करने के लिए राइट कि किसी और जगह में भेजने के लिए आप वो वुड बना सकते हो और उसके बाद प्लाई वुड हो गया राइट या फिर मैच इंडस्ट्री राइट जो मैच स्टिक बनाते हैं ना सो न, जो मैचस्टिक बनाते हैं तो मैचस्टिक इंडस्ट्री में भी काम आता है या फिर पेपर इंडस्ट्री के पेपर बनाने के लिए ओके okay. या फिर कुछ कुछ तो मतलब मेडिसिनल यूज़ के लिए भी है जो इसके पार्ट्स है पेड़ के जैसे कि जर जरे हो गए ना रूट्स स्टेम्स लीव्स के जो इसके पत्ते हैं के okay? uh, फूल भी और इसके जो uh, बीज है इन सब से मतलब दवाई बन सकता है ओके लाइक प्रिपेयरिंग मैनी मैनी प्रिपेयरिंग मैनी मेडिसिन के okay, बहुत सारे मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है ओके सो दिस इज़ व्हाट दिस इज फॉर टू डेवलप प्लांटेशन डेवलप करते हैं प्लांटेशन को डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए या फिर यूटिलिटी राइट नाउ कम टू नेक्स्ट टू रिहैबिलिटेट बैरन एंड लैंड Rehabilitate, रिहेबिलिटेड दूसरा वर्ड है इंग्लिश में इसका रिस्टोर किसी चीज़ को रिस्टोर करने के लिए के और मतलब फिर से अच्छा बनाने के लिए कि रिहेबिलिटेड रिहेबिलिटेशन तो आपने सुना होगा स्पेशली जो लोग एडिक्टेड है ओके okay? तो उन लोगों को कैसे फिर से रिस्टोर करना है फिर से जो नॉर्मल मतलब उनका लाइफ है कैसे फिर से उनको मतलब वैसा बनाना है तो उन उन लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं राइट तो फिर वो वहाँ पर जो दवाइयाँ जो एक्सरसाइज जो ये सब करते हैं फिर उससे उनका लाइफ फिर आ, और मेंटली फ़िज़िकली फिर रिस्टोर होता है राइट दिमागी हालत से शरीर की हालत से मतलब सब चीज़ों में वो लोग रिस्टोर होते हैं तो यहाँ पर भी जो वेस्ट लैंड है मतलब वेस्ट लैंड मतलब जो बैरन लैंड वेस्ट लैंड है जो लैंड मतलब यूज़ नहीं किया गया है जैसे कि यहाँ पर आप जो बीच में जो फोटो है यहाँ पर आप एक आदमी को देख सकते हो वो कैसे ये एक पूरा लैंड है इसमें कैसे बीच बो रहा है हाउ इज़ प्लांटिंग राइट right. तो इस लैंड को अब वो चाहता है कि ये मतलब रिस्टोर हो री रिहेबिलिटेड हो अच्छा हो ठीक है और कैसे अच्छा होगा इसमें प्लान करके बाय डूइंग आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रिजनरेशन करके ठीक है सो so, ये भी एक, एक उब, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू रिहेबिलिटेट बैरन और वेस्ट लैंड बैरन एंड वेस्ट लैंड नाउ विल कम टू द सेकेंड लास्ट टू डेवलप एग्रो एंड फार्म फॉरेस्ट्री प्लानेशन तो इसमें जो एग्रो ओके प्लानेसन है फार्म फार्म फॉरेस्ट्री प्लानेशन है डेवलप करते हैं ओके लाइक इट डेवलप बाई यूजिंग दिस वन आर्टिफिशल रीजनरेशन फार्म फॉरेस्ट्री तो आई टोली मैंने आपको समझाया था पहले भी राइट सो या सो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट हेयर इन दिस पॉइंट तो आप पूछ सकते हो ठीक है और लास्टली है क्या है टू इंट्रोड्यूस एग्जॉटिक तो एग्जॉटिक टू इंट्रोड्यूस एग्जॉटिक एग्जॉटिक का मतलब क्या प्लांटेशन में एग्जॉटिक का मतलब क्या है टू इंट्रोड्यूस नॉन नेटिव प्लान नॉन नेटिव मतलब क्या जो उस जगह का नहीं है ओके okay? सपोज दूसरे स्टेट का आ, ये वाइटी है पेड़ का अब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो आ, जो आपने मतलब आ, जो फॉरेस्ट है ओके आपके घर के पास या फिर ना लाइक आपका लैंड है बैरन लैंड तो आप चाहते हो वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के लिए तो आर्टिफिशल रिजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो यहाँ से मतलब जो यहाँ का नहीं है प्लान ठीक है लेकिन उसका अच्छा से देखभाल करना पड़ेगा यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ इट ओके टिल इट बिकम नेचर तब तक जब तक मतलब वो उसका अच्छे से ग्रोथ ना हो ओके सो टू इंट्रोड्यूस एग्जॉटिक मतलब जो नॉन नेटिव है जो इस जगह का नहीं है दूसरे जगह का है दूसरा स्टेट का है ठीक है सो so, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर के अबाउट आर्टिफिशियल हम लोगों ने आ, इसके जो मतलब इंट्रो पार्ट था आर्टिफिशियल रिजनरेशन का जो डेफिनेशन है और उसका मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है हम लोगों ने वो भी डिस्कस किया आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर ओके तो जो बाकी का मतलब लाइक नाउ वी विल कम टू द मेथड ओके हम मेथड में आएंगे मेथड जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन के मेथड है उसमें आएंगे बट हम लोग आज के लिए यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सो टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर